साथियों, केंद्र सरकार अगर आपके हित में जो योजना बनाती है उसे भी ये टीएमसी सरकार रोक देती है। मोदी एक बहुत बड़ा अभियान चलाता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के इन जिलों में बड़ी संख्या में एससी एसटी समाज के लोग रहते हैं। इंडी गठबंधन की सरकारों ने इन्हीं जिलों को सबसे पिछड़ा बनाकर छोड़ दिया था। मोदी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। मोदी ने कहा अब ये जिले पिछड़े नहीं रहेंगे, ये जिले विकास में सबसे आगे आएंगे। मोदी ने देश के ऐसे 110 से ज्यादा जिलों में खूब मेहनत की। मोदी ने सबसे अच्छे अफसर भेजे। दिल्ली से लगातार कामकाज की जांच हो रही है। अब इनमें से बहुत सारे जिले अपने राज्यों के दूसरे जिलों से भी आगे निकल रहे हैं। ये जिले अब पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, सड़कों के निर्माण में, पानी की सप्लाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी अनुभव से सीख लेकर अब मोदी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक अभियान भी शुरू किया है। लेकिन साथियों, आपकी सुविधा का यह अभियान, आपकी भलाई का यह अभियान, आपके जिंदगी में सरलता आए, सुविधा आए, आपके बच्चों के सपनों को अवसर मिले, इसलिए ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चल रहा है, इतना शानदार प्रोग्राम है, दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन ये टीएमसी ने हमारे प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उसका बायकॉट कर दिया है, लागू ही नहीं कर रही है। मतलब कि ये आपकी विरोधी है, जनता की विरोधी सरकार है टीएमसी सरकार। एससी समाज के विकास से चिढ़ती है, इसलिए वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है।